ये समझ में आना चाहिए कि केंद्र में 12 के आसपास ट्रेड यूनियन मंत्रालयों में मान्यता प्राप्त है, पर लीगल बैकिंग ना होने के कारण किसको कहां बुलाया जाए ये तय हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 12 में से अगर एक यूनियन है किसी संस्था में तो हमें 12 को बुलाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखकर तय किया कि इसको एक लीगल ब्रेकिंग दी जाए और लीगल व्यवस्था करने के लिए ही हमको कहा गया है, हम उसी के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूं, जब ये चर्चा में आएगा तो सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमें ध्यान है ILO के माध्यम से भी हमसे कहा जाता है कि आप यूनियन को एक रिप्रेजेंटेशन सही ढंग से देने का काम करें। तो मेरा मानना है कि ये खाली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी हमारे कुछ साथी श्रमिक संगठनों में हड़ताल की, तो सुनो बोलो, हमारे श्रमिक संगठन के साथी कुछ हड़ताल की बात कर रहे हैं, पर 6 मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ TUCC NFITU और इंटक का एक धड़ा इस हड़ताल से बाहर है। और मेरा मानना है कि हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।